और ट्रेन से निकोरा वाला ची बहुत ही पॉपुलर ट्रेन, ट्रेन नंबर 12566। तो जी अभी अपनी ट्रेन ओवरटेक कर रही है विक्रमशिला एक्सप्रेस को आनंद विहार भागलपुर। ठीक है, आप ऑर्डर लेने क्या बोलते हो? ये भैया एक थाली लिख लो हमारा, है ना, यही बोलते हो ना खाली? तो जी पिछला वीडियो में आके ढेर सारा प्यार मिलल के बाद अब हम आए गए और नवका वीडियो लॉ का। अखन फिलहाल छे हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर और ट्रेन से निकोरा वाला छी बहुत ही पॉपुलर ट्रेन, ट्रेन नंबर 12566 बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस। पिछला व्लॉग में हम काफ़ी मैथिली यूज़ नहीं कर पेलूँ और जते भी कलूँ अहाँ ओकरा बहुत प्यार दिलिए। तो जी व्लॉग में हम कोशिश करब कहीं ज़्यादा मैथिली यूज़ करा के, बाकी अपन ट्रेन बहुत ही पॉपुलर छे, प्लेटफॉर्म में 14 खुलते और अखन टाइम बाज गए दोपहर के 12:30, आधा घंटा रह गया, 1 बजे खुले छे एत सर। तो चले प्लेटफॉर्म पर, बाकी बात करे छे वहाँ से प्लेटफॉर्म पर पहुँच कर, कहीं रुकब हम मैथिली बाजे में, अत साफ मैथिली नहीं है हमारे, तो माफ़ करब। तो चले प्लेटफॉर्म के अंदर, तो जी ये अच्छा बात है कि अत एक्सलेटर की सुविधा चालू है, बाकी कहियो कहियो ये बंद मिले छे, तो लोग अपन पैदल सुविधा ले छे रहे थे, बाकी आए तो चालू मिले ले, ये अच्छा बात है। बाकी अखन ऑफ सीजन है तो अत भीड़ तो नहीं रहत अहाँ के बिहार संपर्क क्रांति में, देखिए कते भीड़ है प्लेटफॉर्म पर। हालांकि हमारे लगा हिसाब से ट्रेन तो लागल हेतु कल कि हम लेट छी और अखन टाइम रह गए सिर्फ 20 मिनट, देखिए ट्रेन लागल है कि नहीं। तो जी ये अपन 14-15 नंबर स्वचालित सीढ़ी के ही यूज़ कर लै उत्तरा में, अगर अहाँ के सामान ज़्यादा है तो अहाँ दोनों तरफ यूज़ कर सकते हैं, और बुजुर्ग अहाँ साथ में तो अहाँ वही काज से यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरफ ऑप्शन है, तो हम ऐसे नीचे चलै छे। और हमर ख्याल से अखन तक ट्रेन के लगल क्या नहीं प्लेटफॉर्म पर, ये भीड़ देख कहाँ के लागत है और अखन तक ट्रेन लगल नहीं प्लेटफॉर्म पर, तो देखिए कब कखन ट्रेन के लगावे छे और भीड़ तो छे। मतलब अई ट्रेन के लिए ना के सीजन हो कि नहीं हो, अहाँ के साल में 365 दिन भीड़ रहत, पंचुअल रहे ट्रेन। तो जी आप अपनी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे लगाया जा रहा है, तजी अपन सब ट्रेन पीछा लागल है और अतः सब डिपार्चर से 1 बजे के सिर्फ 2 मिनट रह गए, तो चले कोच में सीट तो बाद में दिखा, पहले हम दिखा भी जहाँ से डिपार्चर कल के। एक्चुअली हम ऑफिस ट्रिप पर छे ना, तो ऑफिस के स्टाफ सब से साथ में, तो ओकरा सबके साथ कहीं मिली बैसे में थोड़ा लेट भ गया हमारा। तो जी चले सीट पर पहले हम अहाँ के दिखाबी छी डिपार्चर अपना नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 14 से। तो जी अपनी ट्रेन निकल गई है नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 14 से, सामने लगा हुआ है रोयापुरम सेट का WAP 7 आई गेस। जी हाँ, तो जी अपने ट्रेन की टाइमिंग एंड शेड्यूल की बात करें तो ये ट्रेन डेली दोपहर में 1:30 पर खुलती है न्यू दिल्ली से और अगले दिन सुबह में 9:30 आपको पहुंचा देती है दरभंगा, और 20 घंटे 30 मिनट की अपनी जर्नी होती है और इसके हॉल्ट सिर्फ 13 ही हैं। 1168 किलोमीटर के दौरान ये सिर्फ 13 जगह पर रुकती है, 67 किलोमीटर आवर की एवरेज स्पीड रहती है और मैक्सिमम 130। नई दिल्ली से खुलने के बाद इसका अगला हॉल्ट सीधे आएगा कानपुर सेंट्रल। तो जी अभी अपनी ट्रेन ओवरटेक कर रही है विक्रमशिला एक्सप्रेस को आनंद विहार भागलपुर, और अभी हम अप्रोच कर रहे हैं गाजियाबाद की तरफ। तो
जी हम आबि गेल छी अपन सीट पर और ई अकर सीट ने गरीब रथ जेना नहीं मिलत हेड चेंज छै ने अहाँ पूरा बैस सकै छी सीधा आराम से बैस के खा सकै छी साइड लोअर पर हमर साइड लोअर सेहो छलै गरीब रथ में लेकिन ओहिमे हम इन्ना झुकल छलियै एहिमे हम पूरा झुक सकै छी ई फर्क छै थर्ड एसी अकर थर्ड एसी में और गरीब रथ के थर्ड एसी में तो बाकी अपन सबके ट्रेन जे छै नई दिल्ली से खुलल छलियै गाजियाबाद स्किप कऽ देलकै अखन कनी देर में खुर्जा स्किप करते सीधा स्टॉप छै सीधे कानपुर लगभग 400 कुछ किलोमीटर नॉन स्टॉप रन पेंटी कार इस ट्रेन में छै तो खाना पीने के कमी अहाँ के नहीं हैत और हम जे मैथिली बाजी छै ने तो हमरा काफ़ी रीटेक लेबय पड़े मतलब एगो वीडियो शूट करे के लिए कै बेर डिलीट करय पड़े छै कै बेर कट मारे पड़े छै तो वो पता नहीं कै बेर हेतै बाकी एहि ट्रेन में ना अहाँ के बेड रोल मिल जाएत अगर अहाँ ट्रेवल करै छियै बिहार संपर्क क्रांति में तो और एहि ट्रेन में ना नॉर्मल ट्रेन में जेना अहाँ के जे छै ने हर ट्रेन में अहाँ के जे तौलिया मिलिए ना टॉवल है फेस टॉवल जकरा कहै छै हमर सब बात हमें पता नहीं की कहै छै अहाँ बताओ कमेंट में बाकी फेस टॉवल छै ने ई अहाँ के एहि ट्रेन में अपन ब्लैंकेट किट के साथ सेहो मिल जाएत हर ट्रेन में मांगा पड़े छै इवन राजधानियो सबके ट्रेन में छै ने राखि लै छै कैलाकि जल्दी जे चोरी भऽ जाइ छै मतलब अगर जे चोरी होइ छै ने तऽ ई बहुत आसानी से चोरी भऽ जाइ छै लेकिन ई ट्रेन में अहाँके अखन बिना मंगले के साथ मिल जाएत अहाँके तऽ ई अच्छी बात छै ई ट्रेन में ई मिलै छै तऽ चलू अब अपन सबके सीधा अगला हॉल्ट छै कानपुर कोनो स्किप वगैरह होइ छै दिखाबै छी अहाँ से मिलै छै अपन जर्नी में तऽ जी अपन सबके जे कोच छै ने ई हम सफर वाला कोच छै मतलब ई ट्रेन में जे B4 लगलै ने हम सफर लिवरी के कोच छै जाहिमे हमर सीट है बाकी अहाँके चार्जिंग सॉकेट सामने मिल जाएत अहाँके दू गो चार्जिंग सॉकेट्स 6 लोगों के दूर हो अइमे साइड लोअर में जे साइड लोअर के लिए सेहो नीचा चार्जिंग सॉकेट छै और एगो चार्जिंग सॉकेट अहाँके अत्तम मिल जाएत मतलब साइड अपर के लिए सेहो एगो चार्जिंग सॉकेट छै काज करै छै कि नहि हम बाद में बताएब बाकी एना कुछ अकर इंटीरियर छै थर्ड एसी के बाकी जगह हम सब गरीब रथ में ट्रैवल केने छलियै ने तऽ ओहिमे अहाँके पानि पियै वाला झुकल पड़ै छलै एना बाकी अइमे दिक्कत नहि छै अहाँ बैसल बैसल पानि पी सकै छी खाना खा सकै छी मेन बात ई छै तऽ चलू अब आबऽ वाला छै खुर्जा जंक्शन जकरा रिटर्न करतै स्किप तऽ देखै छी खुर्जा के स्किप जी अब हम स्किप करने वाले खुर्जा जंक्शन को और खुर्जा जंक्शन इसीलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल आती है अपना हापुर के रास्ते हापुर होते हुए बुंदेलखंड वाली लाइन जहाँ से संगम एक्सप्रेस आती है ये लाइन यहाँ पे खुर्जा में मिलती है इसलिए खुर्जा जंक्शन है तो जी हम एहि ट्रेन के पेंटी कार से लेने छलिए खाना नॉर्मल लंच दोपहर के वो चार्ज कलके 180 रुपया हम खाना के तो वीडियो नहीं बनेलिए कैलाकि हम अपन ऑफिस स्टाफ साथ खेने छलिए बाकी फोटो हम मत लगाबे छी ई एगो खाना के लेके 180 रुपया नॉर्मल ट्रेन में 120 सुनने हेबै 140 सुनने हेबै लेकिन 180 अहाँ सुनू बिहार संपर्क क्रांति में तो हम कम्प्लेन केलिए तो देखे छी की जवाब आबे छै बिल तो हम मंगलिए साथ में कम्प्लेन सेहो केलिए खाना में टेस्ट अते खराब छले ना खाली एगो पनीर के जोड़ का 100 रुपया एक्स्ट्रा बाकी आप अलीगढ़ जंक्शन आवा वाला छे तो अहाँ के दिखाबे छे अलीगढ़ जंक्शन के स्किप बाकी देखे छे कंप्लेंट के की रिवर्ट होइ छे वैसे हमको रात में भी खाना मंगाना है ठीक है तो आप लोग 80 वाले थाली रखते हो ना मतलब तो अगर वो बोल ही देता उस वक्त तो हम भी वही
देखो हमें पता है सिर्फ हमें पनीर तो हम घर पे भी खा सकते थे, अब वो पनीर खाने 100 रुपए पनीर है भी नहीं, वो कहीं भी खा सकते हैं सर, क्यों नहीं खाइएगा? नहीं इतना सा पनीर वो 100 रुपए का लायक था ही नहीं वो। हाँ नहीं इन्होंने भी यहाँ पे 180 रुपए का ही दिया है मेरे को। नहीं 150 रुपए बोला, हम बोले तो वो तो अंडा खाया था 150 रुपए ले लिया आपने, अभी तो सब दाल भात सब्जी खा रहे, तो मेरे को आप भी खा लीजिए अंडा। नहीं ये भैया नहीं था, पर एक क्या उठा दी ये भी, इन्होंने खाना नहीं दिया हमको। B1 में आपका कोच है जी? B1 आपका कोच है? B1 जी। नहीं आपने नहीं दिया था खाना? खाना तो कोई को लगा दिया है जो, अरे भाई निर्जा है चाहिए और केकर एकरा सब रोज। चलिए कितने कितने की थाली बेचते हो आप भैया, थाली कितने की बेच रहे हो आप? ये वाला थाली जो है सर। हाँ ठीक है, आप ऑर्डर लेने को क्या बोलते हो? ये भैया एक थाली लिख लो हमारा, है ना यही बोलते हो ना खाली? मैंने तीनों रेट आप बताते हैं या नहीं बताते? पूछने पर कहा ना बताते, पूछ आप पूछने क्यों पसंद क्यों पूछ? नहीं हम आप बताते नहीं, हम आपसे पूछेंगे भैया 80 वाली थाली है कि नहीं है, उपलब्ध है सर, तो आप बोलोगे ना भैया? अब मुझे पता है इनको पता होगा, तो अगर किसी को पता होगा तो वो कम ही लेगा ना। जी जी हम तो बताते हैं सर, हमें तो नहीं बताया था ना, मेरे साथ एक बंदा ट्रेवल कर रहा उसको पता ही नहीं था, जब तो मैं गया उसने थाली ऑर्डर कर दी थी और मैं ठीक है कोई बात नहीं, और हमने तभी एक सिर्फ एक ही थाली का एक थाली हमने फेंक ही दिया उसको, क्योंकि खाना अच्छा नहीं था। आप लोग चाहे जो बोलो ठीक है 5 स्टार वाला खाना था, ये था वो था, उस अगर मैं वही खाना ऑनलाइन मंगाऊंगा ना ट्रेन में कानपुर से 200 रुपये में एक नंबर खाना आएगा। मुझे आप 80 वाली ओरिजिनल बिल दो और जो हमने एक्स्ट्रा पे किया है वो रिफंड दो, तो मैं आगे से कंप्लेंट वो उसको वापस ले लूँगा। जो टोपी पहने एक बंदा इन्हीं के जैसा कोई दिखता है वो टोपी पहने हुआ था उसने, दो खाना इन्होंने लिए हैं, दो खाना। हाँ तो दो खाना का पैसा लिए 360 रुपया, आप 80 दिन 160 रुपये काट के बाकी पैसा इनको दीजिए, ठीक है? रात में जो सर बोलेंगे जी जी इनका ऑर्डर लिख लीजिए, वो खाना दीजिएगा। अभी खाना नहीं होता? अभी खाना खा लिए तो डबल खाएंगे क्या? 200 रुपये आप मुझे वापस करेंगे? 200 मुझे 160 का बिल चाहिए, 80 वाले जरूर आपके बिल भिजवा दे रहे हैं तुरंत, हम बिल भिजवा दिए, मैं कंप्लेंट वापस ले लूँगा। अरे मुझे सिर्फ 200 ही चाहिए भैया। चलिए बिल ले आके जल्दी इनको दीजिए और फिर मैं जी काफ़ी देर बाद हम आए पुल ओपन सीट पर और जो पेंट्री वाला देखने चले आप मैनेजर आयल चले ओकरा से हम लो लिए बिल और अपन 200 रुपये वापस लो लिए। कंप्लेंट अखन तक तो वापस नहीं ले लिया, अखन पेंडिंग में छे, बाकी देखे छे की करोगे छे। बाकी हमारा 80 वाला ओरिजिनल बिल तो हमें मिल गया, वो हमारा देने चले शाही पनीर और चावल के बिल, मतलब शाही पनीर चावल के बिल देने चले, जबकि हम थाली खेने चले हम वह ओकरा हम कहने चलिए। खैर 80 वाला बिल हमरा मिल गया और अखन अपन सब ट्रेन छे ने वो इटावा स्किप कल के, बारिश बाहर भरल छे
आओर अखन तक सिर्फ 20 मिनट लेट भेल यऽ। तऽ कनी देर हम कमर्सके सीधा करै छी, फोनके चार्ज करै छी आओर अहाँसँ मिलै छी कानपुरके अराइवलपर, या फेर बाहर मौसम अच्छा भेलै, बारिश नहि भेलै तऽ अहाँके बाहरो देखायब, कैलाकि बाहर फोन जेनाहिते निकालै छी कैमरा पानि चलि जाइ छै आओर फेर सबकिछु ब्लर ब्लर भऽ जाइ छै ने, तऽ की करबै सकै छियै। बारिश मेहरबान छै, मौसम अच्छा छै, बारिश रुकतै तहन आओर अच्छा भऽ जेतै। बाकी कनी देर लेटै छी, फोनके चार्ज करै छी, मिलै छी कानपुरसँ पहिले कानपुरके अराइवलपर, जतय आँख खुलि जाए हमर तब तक के लिए बाय बाय। तो जिस प्यारी से शाम में, इस प्यारे से कर्व के साथ अब हम एंटर करने वाले हैं कानपुर सेंट्रल। तो जी 440 किलोमीटर नॉन स्टॉप रन के बाद अब हम आबि गेलिए कानपुर सेंट्रल, अपन ट्रेन के पहल हॉल्ट। अतः अपन ट्रेन के 5 मिनट का हॉल्ट है कानपुर, लेदर सिटी ऑफ इंडिया। लेदर प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फेमस हो कानपुर सेंट्रल और 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन से 413 ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट है। 34 ट्रेन अतः से बने 34 अतः से समाप्त हो कानपुर सेंट्रल से। अतः अपन ट्रेन बिल्कुल एलिया 2 मिनट बिफोर, 5 मिनट का हॉल्ट, 7 मिनट रुकने वाला है अतः। बाकी अतः अपन ट्रेन में पाइन फीलिंग और साफ सफाई अतः अपने कानपुर में हेतें। अगर कानपुर के बाद अगला हॉल्ट अगर रिसेंटली ऐड भी लिया उन्नाव, अब उन्नाव में रुकते हैं, वही के बाद ये ट्रेन रुकते हैं ऐसबाग। अगर अहाँ खाना पीने कुछ मंगावे छे तो अहाँ कानपुर में मंगा सकते हैं, ई कैटरिंग की सुविधा अतः मिल जाएत। आई के बाद अहाँ के सीधे मिल जाएत ऐसबाग में, और वही के बाद आप ई ट्रेन के गोंडा हॉल्ट मिल जाए तो गोंडो में मिल जाएत। बाकी गोरखपुर तो काफ़ी लायत भ जेतें, तो अहाँ के कोनो फायदा नहीं हैत गोरखपुर में कथु मंगाव के। तो हम कोशिश के लिए मैथिली में ज़्यादा इंट्रोड्यूस करके स्टेशन के, तो जी अब हम आ गए उन्नाव जंक्शन, स्टेशन कोड ON, 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 89 ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट है। और उन्नाव जंक्शन क्यों है, क्योंकि एक लाइन यहाँ से निकल जाती है दलमऊ को, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है रायबरेली को। आप यहाँ से दलमऊ जंक्शन, बालामऊ जंक्शन और रायबरेली के यहाँ पर गाड़ी बदल सकते हैं। एक्सपेरिमेंट हॉल्ट है, पहले यहाँ पर रुकती नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ पर मात्र 1 मिनट का हॉल्ट दिया गया है उन्नाव जंक्शन में। बाकी अपनी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम आई है, 1 ही मिनट का हॉल्ट है और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, हाँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई अपनी ट्रेन उन्नाव जंक्शन के। बाकी यहाँ पे लगी है बरौनी जबलपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे।
तो जी 511 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम आ चुके हैं ऐसबाग जंक्शन, स्टेशन कोड ASH, 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 49 ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट है, एक ट्रेन यहाँ से बनती है, एक यहाँ पे समाप्त होती है ऐसबाग में। अपनी ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट होने वाला है, ट्रेन 7 मिनट बिफोर आई है तो 17 मिनट यहाँ पे रुकने वाली है। और ऐसबाग जंक्शन क्यों है, क्योंकि ऐसबाग एक्चुअली ये लखनऊ में ही आता है, लखनऊ का आउटर स्टेशन है ये। तो यहाँ से आप जा सकते हैं सीतापुर को, यहाँ से जा सकते हैं आप बलमऊ को, उन्नाव से तो हम आ रहे हैं, एक लाइन यहाँ से निकल जाएगी सीधे यहाँ से आपका बुरवल जंक्शन होते हुए गोंडा को, और एक लाइन और यहाँ से निकल जाएगी रायबरेली को। तो ये सारी लाइनें यहाँ से लखनऊ से आती हैं, मिलती हैं, अलग होती है, इसलिए इसको जंक्शन कहते हैं। एक्चुअली मैंने अपना डिनर कर लिया था, ऑफिस स्टाफ से ट्रैवल कर रहा हूँ इसलिए ज़्यादा व्लॉगिंग हो नहीं पा रही है, फिर भी मैंने अपना खाना खा लिया था क्योंकि घर से हम लोग कुछ ना कुछ लेके आए ही थे, तो वही सामने हमने खा लिया यहाँ। बाकी आपको स्टेशन में रात के खाने में वही आपको नॉनवेज में अंडा थाली मिल जाएगी और वेज में आपको नॉर्मल वेज थाली मिल जाएगी। बोलेंगे तो आपको नॉर्मल जो प्राइस है उसमें मिलेगा, वरना 180 वाली थाली भी मिलेगी और आप नहीं बोलेंगे तो। खैर अपनी ट्रेन का यहाँ पे 8:10 का डिपार्चर टाइम है और अभी हो रहा है 8:02, 8 मिनट और रुकने वाले ही यहाँ पे, तो मिलते हैं आपसे सीधे डिपार्चर पे। खाना बना तो हो ही गया हमारा, अब इसके बाद अगला हॉल्ट आएगा बादशाह नगर, उसके बाद गोंडा, इसका अगर आप हॉल्ट है, पहले गोंडा स्किप करती थी, अब यहाँ पे गोंडा भी रुकती है जो कि रात के 10:30 बजे के आसपास आएगा, फिर वहाँ से गोरखपुर, तो गोरखपुर तक जगूंगा मैं, तो गोंडा इस वक्त कवर करूंगा मैं, तो आपसे मिलते सीधे यहाँ से डिपार्चर पे। तो जी अब हम आ गए हैं बादशाह नगर, स्टेशन कोड BNZ, 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 48 ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट है और अपनी ट्रेन यहाँ पे 3 मिनट का हॉल्ट है। 8:30 का टाइम है, 8:33 यहाँ डिपार्चर टाइम है और ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम आई है बादशाह नगर में। खैर अपना डिनर विनर तो सब हो चुका है, सब लोग लगभग कुछ में सोने भी वाले हैं और स्टेशन सारे रात में गुजर रहे हैं। इसके बाद अगला हॉल्ट आएगा सीधे गोंडा, हाँ इसके बाद अगला हॉल्ट सीधे गोंडा आएगा, फिर गोरखपुर। बाकी कोई बादशाह नगर से वीडियो देख रहा है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में बादशाह नगर के बारे में आपको और क्या जानते हैं। जी अब तक के साइड पेंटर से हमने लिया ये रबड़ी, पहले तो 40 रुपया, बाद में कह लिया भैया कर एम आर पी तो 35 रुपीज से ना, तो अब 35 रुपया। तो ये सब अहाँ के स्टेशन बाजब औरत नहीं बाजब तो अहाँ के पास पैसा आए तो अहाँ कोनो बात नहीं पूरा दौ दियो कोनो दिक्कत नहीं छे, और पैसा नहीं आए तो अहाँ के MRP पर ही मिलत, 35 MRP है तो 35 के ही हमरा सबके मिले ला। बाकी अपन सबके ट्रेन बादशाह नगर से निकलल छे, अब अगला हॉल्ट सीधे अतः गोंडा अराउंड 2.5 घंटा के आसपास, तो 2.5 घंटा देखे छे कुछ स्किप्स या फिर क्रॉसिंग हो तो वो दिखावे छे, बाकी हम जग लेते छी तो मिले छी जर्नी में अपन कंटिन्यू करे छी। और अहाँ सब कहियो ई ट्रेन में ट्रैवल केने छी ने बिहार संपर्क क्रांति में, के
कहने से जरूर है। अगर अहाँ दरभंगा से दिल्ली आयल छे तो अपन एक्सपीरियंस जरूर बताएब, कौन क्लास में ट्रेवल केने छी, कत से कत ट्रेवल केने छी, ओ कमेंट में लिख दियो, कमेंट सेक्शन अहाँ सब लेल खुलल है। तो जी अब हम एंटर कर रहे हैं गोंडा जंक्शन। अगर मार्च से पहले ये ट्रेन इसको यहाँ पे स्किप करती थी, लेकिन मार्च में इसका है स्टॉपेज दिया गया यहाँ पे 2 मिनट का, तो एक्सपेरिमेंट हॉल्ट है, कब तक रहेगा पता नहीं। बाकी मार्च से पहले यहाँ पे इसका हॉल्ट नहीं था, स्किप करती थी ये। तो जी समय से करीब 8 मिनट पहले हम आ चुके हैं गोंडा जंक्शन। 633 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद समय से करीब 8 मिनट पहले, मार्च से पहले ना ये ट्रेन गोंडा को स्किप करती थी, लेकिन मार्च 2024 से ना यहाँ पे इसका 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है एक्सपेरिमेंटल। कब तक होगा पता नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंट हॉल्ट है। यहाँ पे आने का टाइम था 10:26, ट्रेन यहाँ पे आई है 10:18 पे, और मतलब 8 मिनट अब रुकने वाली है, 6 मिनट इधर 2 मिनट उधर। तो अपनी ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है। गोंडा जंक्शन क्यों है, क्योंकि लाइन बुरवल से आ रही है, जैसे हम आ रहे हैं अपना बुरवल, अपना क्या कहते हैं, अपना बादशाहनगर होते हुए एक लाइन यहाँ से जाएगी मनकापुर को, जिसको हम जाएंगे, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है अपना भैराइच को, जो कि जाके नानपारा जंक्शन को मिलती है, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है बरनी होते हुए आनंदनगर जंक्शन को। 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 195 ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट है, 6 ट्रेन गोंडा में बनती है, 6 यहाँ पे समाप्त होती है। ये सारी बातें हैं गोंडा की। अब अगला हॉल्ट आएगा गोरखपुर, जो रात के 12:30 बजे का ऑफिशियल टाइम है, जल्दी पहुंच जाए तो अलग बात है, लेकिन जगह रहूँगा तो आपको दिखाऊंगा, वरना गोरखपुर तो आपको बहुत बार दिखा ही रखा है मैंने। बाकी जर्नी अच्छी चल रही है, ट्रेन साफ़ सुथरी है, काफ़ी अच्छी स्पीड से मेंटेन करती है, काफ़ी अच्छा भागती है, बहुत ही रेयर होता है ये कभी किसी ट्रेन पर लेट पहुँचे। बाकी ठीक ठाक चल रही है जर्नी यहाँ पर। खाने पीने चाहे आप ई कैटरिंग की सुविधा आपको गोंडा में मिल जाएगी, अगर आपको लेना चाहते हैं तो ई कैटरिंग गोंडा में भी अवेलेबल है। बाकी अपना घर का खाना लाइए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा अगर आपने एसी में बुकिंग करा रखा है तो। तो चलिए आपसे सीधे मिलते हैं गोंडा के डिपार्चर पे। जो अपनी ट्रेन गोंडा से निकल चुकी है, अब चलते हैं, रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, आपसे सीधे मिलेंगे गोरखपुर के अराइवल पे। 12:30 बजे का अराइवल है, जगह रहे तो गोरखपुर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग
तजी गुड मॉर्निंग, अपन सब ट्रेन आप सोनपुर पहुँचा वाला छे। अखन तक सिर्फ 8 मिनट के डिले भेल है, बाकी रात में जे गोंडा के बाद हम जे सुतलिए ने तो गोरखपुर उठो नहीं पेलिए। खैर कोनो बात नहीं, फिर कहियो, गोरखपुर तो बहुत बेर देखने छी अहाँ सबके, बाकी सोनपुर आवा वाला छे, तहाँ सीधे मिली छे सोनपुर के अराइवल पर। जी आब हम सब आबि गेलिए सोनपुर जंक्शन, स्टेशन कोड SEE 5 प्लेटफॉर्म के रेलवे स्टेशन छै। 98 ट्रेन के अतः हॉल्ट छै, 6 ट्रेन अतः से बनै छै, 6 अतः समाप्त होइ छै सोनपुर जंक्शन में। बाकी जंक्शन पॉइंट कहल जाइ छै कैलाकि अतः से एक लाइन पाटलिपुत्र के निकल रास्ते पटना, मतलब पाटलिपुत्र पहुँच जाइ छै अतः से एक लाइन। बाकी छपरा से हमसब आबै छी, हाजीपुर तरफ हमसब बढ़ जेबै। बाकी सोनपुर में ना एशिया के सबसे बड़ा कैटल फेयर अतः लागै छै, और कहिया लागै छै ओ अहाँ सब बताओ कमेंट सेक्शन में, अगर अहाँ जानै छी तऽ। और क्यों सोनपुर से वीडियो देखे बताइए अपन सोनपुर के बारे में। बाकी सोनपुर तक अपन ट्रेन सिर्फ 8 मिनट डिले भी है, तो ये तो आगे जाकर कवर को ही लेते हैं। बाकी फ्रेश हुई थी और आप गंगा नदी के पुल लेते हैं तो वो पार को रही थी, हाँ सीधे मिलती हाजीपुर के अराइवल पर। तो जी अब हम सब आबि गेलिए हाजीपुर जंक्शन, आई ट्रेन में ककरो पटना जाके होइ छै ने तो ट्रेन हाजीपुर डिपोर्ट कर दै छै, और ना सोनपुर हाजीपुर मतलब अतः जगह रुक जाइ छै, अतः से पटना बहुत पास पड़े छै। खैर हाजीपुर अब हम बढ़ जेबै मुजफ्फरपुर के साइड, बाकी हाजीपुर से एक रास्ता ने सीधे बरौनी ओकर सेहो निकल जाइ छै, तहि लए हाजीपुर एक जंक्शन बनि जाइ छै। बाकी अतः से ई चिनिया केला छै ने तऽ बहुत फेमस छै, के खेने छै कमेंट में जरूर बताएब चिनिया केला हाजीपुर के लिए को, या फिर समझो सोनपुर में सेहो मिल जाएत। बाकी आप तो मुजफ्फरपुर में मिले लगलिए, तो अहाँ बताओ खेने छे कि नहीं खेने छे चिनिया केला। हमरा मिल रहा है 30 रुपया दर्जन, तो ठीक छे भोर में यह खाएल जेते आप। बाकी हाजीपुर में अपन सपक क्रांति के 5 मिनट का हॉल्ट है, आप भोर तो भोए गलिए, अगला हॉल्ट अगर आप सीधा मुजफ्फरपुर छे तो चलू देखे क्रॉसिंग वगैरह, तो आप हेबे करते भोर के टाइम भोग लेना, तो अहाँ से मिले क्रॉसिंग सबके साथ देना एक दर्जन।
तजी आब हम सब आबि गेल छी मुजफ्फरपुर जंक्शन स्टेशन कोड MFP 8 प्लेटफॉर्म के रेलवे स्टेशन छै। 146 ट्रेन के ओतऽ हॉल्ट छै, 25 ट्रेन एतऽ सँ पहुँचै छै, 25 एतऽ समाप्त होइ छै मुजफ्फरपुर जंक्शन पर। बाकी मुजफ्फरपुर जंक्शन अयला छै कि एतऽ सँ एक लाइन निकल जेतै सगौली के रास्ता नरकटियागंज, एक लाइन बाकी हाजीपुर सँ हमसब आबि रहल छी, एक लाइन एतऽ सँ बढ़ि जाइ छै सीतामढ़ी के तरफ और बाकी समस्तीपुर के तरफ हमसब बढ़बे करबै। तऽ ई सारी लाइन एतऽ सँ आबै छै मिलै छै अलग होइ छै, इसलिए मुजफ्फरपुर के जंक्शन कहै छै। बाकी मुजफ्फरपुर अपने शाही लीची के लिए काफ़ी फेमस छै। के मुजफ्फरपुर सँ वीडियो देखैए कमेंट में जरूर बताओ। काफ़ी लोग एहि ट्रेन के मुजफ्फरपुर में डिबोर्ड कऽ दै छै, मुजफ्फरपुर समस्तीपुर तक नहि लगभग ई ट्रेन खाली भऽ जाइ छै। बाकी मोस्टली तो लोग दरभंगा जाइ छै, लेकिन मुजफ्फरपुर में डिबोर्डिंग ज़्यादा भऽ जाइ छै और समस्तीपुर में सेहो इएह हाल छै। बाकी अपन ट्रेन के तऽ 5 मिनट के हॉल्ट है और ट्रेन अयै बिल्कुल ऑन टाइम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। यात्रीगण की पहचान है, गाड़ी संख्या 1114 साबरमती एक्सप्रेस जो दरभंगा करना हमला बदल जाएगी प्लेटफॉर्म से। तो जी 1130 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद आ चुके हैं अपनी जर्नी के सेकेंड लास्ट स्टॉप समस्तीपुर जंक्शन, स्टेशन कोड SPJ। यहाँ पे अपनी ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट है और समस्तीपुर यहाँ पे अपनी इनका इंजन चेंज होता, मतलब इंजन रिवर्स होता है, चेंज नहीं होता है, चेंज तो बहुत पहले होता था लेकिन अभी सिर्फ रिवर्स होता है। बाकी यहाँ से एक लाइन निकल जाएगी दरभंगा की ओर, एक लाइन निकल जाती है बरौनी की ओर, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है सहरसा की ओर खगड़िया होते हुए, और बाकी हम मुजफ्फरपुर से तो आ रहे हैं। ये सारी लाइनें यहाँ से मिलती हैं अलग होती है, इसलिए उसको जंक्शन कहते हैं। बाकी यहाँ पे अपनी ट्रेन आई है लगभग 15 मिनट बिफोर 30 मिनट का हॉल्ट है, आधे घंटे की ट्रेन यहाँ पे रुकने वाली है। बाकी 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है समस्तीपुर जंक्शन, 172 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है, 22 ट्रेन यहाँ से बनती है, 22 यहाँ पे समाप्त होती हैं, लगभग ऑन टाइम ही चल रही है अपनी ट्रेन। और मैं बाहर गया और क्योंकि ट्रेन अपने पास टाइम इनफ था तो बाहर गया, वहाँ से चाय बनवाई, चाय लेके आया, फिर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी भी अपने पास इनफ ऑफ टाइम है। बाकी अगर कोई समस्तीपुर से वीडियो देख रहा है तो बताइएगा अपने समस्तीपुर के बारे में आप और क्या जानते हैं। बाकी अब अगला हॉल्ट अपना सीधे दरभंगा आएगा, देखते हैं कितना बिफोर पहुँचती है, क्योंकि लेट तो शायद होगी नहीं अगर हाँ दरभंगा और समस्तीपुर के बीच में इसको रोका ना गया हो, ट्रेन लाइन क्लियर ना मिले तो अलग बात है, बाकी देखते हैं कितना बिफोर पहुँचती है। तो ही चलिए आपसे सीधे मिलते हैं अपने समस्तीपुर के डिपार्चर पे। बाकी कुछ खाने के लिए लिया नहीं है क्योंकि अपने पास इनफ खाना है, मतलब हमने बहुत सारा चिप्स ये सब साथ में कैरी लिख करके ही चल रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा कुछ ले नहीं रहे हम लोग ट्रेन से। बाकी आपको पेंट करके स्कैम तो पता ही है। बाकी अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आई है यहाँ पे, आप लोग भी ध्यान रखिएगा अगर आपके पास चाय अच्छी पीनी हो, बाहर से कुछ लेना देना हो तो आप समस्तीपुर में ले सकते हैं, यहाँ पे आधा घंटा टाइम है। तो चलिए मिलते हैं सीधे यहाँ से डिपार्चर पे। तो जी अपनी ट्रेन निकल चुकी है समस्तीपुर से और अब हम बढ़ चुके दरभंगा की तरफ, और ये जो कर्व जा रहा है ना अभी हम लोग समस्तीपुर से निकलते ही जो हमारा लाइन अलग हो रहा है दरभंगा से, मतलब हम मेन लाइन को हमने छोड़ दिया है मुजफ्फरपुर लाइन को, अब हम बढ़ चुके हैं दरभंगा वाली लाइन पे। और ये कर्व ना बहुत ही कमाल का होता है, मैंने बहुत बार कवर भी किया है, मेरे का स्वतंत्रता सेनानी का ब्लॉग दिखा हुआ उसमें भी है। Thank you.
नमस्कार जी, बात करूँ अपन बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के किराए के बारे में। अगर अहाँ ट्रेवल करबै नई दिल्ली से लगाओ दरभंगा के बीच स्लीपर क्लास में तो अहाँ के देवे पड़त 560 रुपया। थर्ड ए सी इकोनॉमी में ट्रेवल करबै तो 1375 रुपया। थर्ड ए सी में जैमे हम ट्रेवल करै छी तो ओहिमे देवे पड़त 1470 रुपया और सेकेंड ए सी में 2100 रुपया। बाकी अगर फर्स्ट ए सी में अहाँ ट्रेवल करै छी तो अहाँ के देवे पड़त 3545 रुपया। ई किराया ऊपर नीचे तोहन हैत जखन अहाँ तत्काल बुक करब। तो बाकी अपन ट्रेन अब पहुँचे वाला छै दरभंगा कनी देर में। अहाँके दिखाबै छी ई ट्रेन के बाथरूम कंडीशन केहन छै दरभंगा पहुँचे से पहले। खुलक वक्त में साफ सुथरा तो रहै छै, पहुँचे के वक्त में केहन छै तऽ ई छै अपन बिहार संपर्क आते से बाहर के एरिया। ई छै बेस बेसिन, हल्का फुल्का साफ छै, शीशा बिल्कुल साफ नहि छै। अहाँके तऽ डस्टबिन मिल जायत। और बाथरूम कंडीशन से बिल्कुल साफ नहीं छै। अहाँ देखै छियै मिरर बिल्कुल गंदा सा, अतः अहाँ बेस बेसिनी लिख नीचा बहुत ही खराब छै। तऽ सफाई जहन स्टार्ट होइ छै ट्रेन तहन तऽ ठीक ठाक रहै छै, ओहिके बाद अहाँ राति के बाद ना भोरमे कोनो साफ सफाई नहि होइ छै तऽ अहाँ एकर ध्यान राखब। तऽ बस आबैवला छै अब दरभंगा और देखै छियै कोनो स्किप, बाकी मिलै छै सीधा प्लेटफॉर्म के अराइवल पर। तो जी हम आबि गेलहुँ अपन होटल में और हम अपन ब्लॉग की करै छी अतः पर एंड। और अहाँ से मिलब एक और अगला ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लागल है तो वीडियो को लाइक कर देव, चैनल पर पहिल बेर एलूँ हैं और वीडियो देख लूँ तो सब्सक्राइब कर के जाए। मिलै छी अहाँ से दोसर ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और एहन कुछ है हमर होटल, हालांकि हम एक दिन रह चुकल छी तहन वीडियो के एंड करै छी। हम छी अखन पूनम सिनेमा के सामने वाला रोड पर ये। और अहाँ से मिलै छी अगला ब्लॉग में। इंस्टाग्राम यूजर छी अहाँ तो विक्की झा 01 इंस्टाग्राम आई डी आबि रहले, नहीं तो विक्की झा 01 अहाँ एक साथ लिखबै तो हम इंस्टाग्राम पर अहाँ के मिल जाएब, ओतः हम अहाँ से बात कर सकै छी। तब तक के लिए बाय बाय।